वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस एकता कपूर की नागिन पहुंच चुकी है हॉस्पिटल। 3 दिन से है वेंटिलेटर पर। जी हाँ दोस्तों, सही सोच रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं नागिन 6 की बड़ी ही खूबसूरत हसीना और नागिन महक चाहल की। दोस्तों, महक चाहल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर और साथ ही साथ एक कैप्शन डाला, जिससे उन्होंने इस बात को साफ किया। क्या कुछ कह रही हैं महक चाहल इस बारे में और क्यों थी वो हॉस्पिटलाइज्ड, ऐसा क्या हुआ उनको, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना अब बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, महक चाहल लिखती हैं, आई हैव वेरी रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम न्यूमोनिया, फीलिंग मच बेटर एंड आई एम फाइनली रेस्टिंग एट होम, बट आई मस्ट से अ बिग थैंक यू टू ऑल माई वेल विशर्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। योर थॉट्स एंड प्रेयर्स हैव गॉटन मी थ्रू दीज टाइम्स। आई जस्ट नीड सम टाइम टू रिजुविनेट विद माई फैमिली बाय माई साइड एंड देन गेट बैक टू एंटरटेनिंग यू ऑल। दोस्तों, महक चाहल ने साफ तौर से बताया कि उन्हें न्यूमोनिया हो गया था और पिछले 3 दिनों से वो हॉस्पिटलाइज थी। उनका निमोनिया बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और इस वक्त वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं। लेकिन कुछ वक्त वो अपने घर वालों के साथ बिताना चाहती हैं ताकि वो फिर से रिजुविनेट हो पाएँ, यानी कि फिर से ऊर्जा से भर पाएँ और एक बार फिर से अपने सभी फैंस को एंटरटेन कर सकें। साथ ही साथ उन्हें वेल विश करने के लिए उन्होंने अपने हर एक फ़ैन को और हर एक नॉन पर्सन को धन्यवाद भी कहा। आप क्या कहेंगे, किस तरह से करेंगे उन्हें गेट वेल सून विश, हमें अपने व्यूज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना।